चाहे आपके सिस्टम में कितना भी पावरफुल का ग्राफिक्स कार्ड क्यों ना हो, अगर अपने ग्राफिक्स कार्ड को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हो तो ग्राफिक्स कार्ड से पूरा परफॉर्मेंस का मजा नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे इनविडिया के ग्राफिक्स कार्ड को अपडेट करते हैं। सो हे देयर, जॉय हेयर एंड यू आर वॉचिंग टेक ए फॉर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से अपने ड्राइवर्स को अपडेट नहीं कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले ब्राउजर में जाके सर्च करिए NVIDIA GeForce Experience और डाउनलोड GeForce Experience इस पर क्लिक करिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर क्लिक करिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब एग्री एंड इंस्टॉल इस पर क्लिक करिए और थोड़ा सा वेट करिए। तो देख सकते हैं NVIDIA GeForce Experience सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए इसमें आपको गूगल, एप्पल आईडी, डिस्कॉर्ड, फेसबुक, इन सभी तरीके से लॉगिन कर पाओगे। तो मैं फिलहाल गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। गूगल से लॉगिन करने के लिए इसमें आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद आपके उसी ईमेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन मेल आएगा। तो आपको सिर्फ मेल को ओपन करके वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना होगा। तो हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसे क्लोज कर दीजिए और थोड़ी देर वेट करने के बाद आप सक्सेसफुली NVIDIA GeForce Experience में लॉगिन हो जाओगे। अब इसमें ऊपर दो तरीके के ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है होम और एक है ड्राइवर्स। होम में जितने भी मेरे गेम्स होगा वो सभी शो करेगा और ड्राइवर्स में क्लिक करने के बाद ऊपर आपको चेक फॉर अपडेट इस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मेरे ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक नया अपडेट अवेलेबल है। तो सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और कुछ ही देर बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है कस्टम इंस्टॉलेशन और एक है एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन। तो आपको एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है और आपके सिस्टम पे नया ड्राइवर्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्राफिक्स ड्राइवर्स इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आपके सिस्टम का फैन भी काफी स्पीड में घूमने लगेगा, तो डरने की बात नहीं है। अपडेट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। तो देख सकते हैं सभी नए ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अपडेट हो जाने के बाद आप चाहो तो एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको जानना है गेम खेलते टाइम FPS वगैरह कैसे शो करते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।